दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी जो है हवाई का मोबाइल है और उसमें आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोग जब भी किसी को भी कॉल करते हो तो कॉल करते टाइम आपकी मोबाइल की जो डिस्प्ले है, जो स्क्रीन है, वो बंद हो जाती है, तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को ठीक करोगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आपकी मोबाइल की जो सेटिंग है दोस्तों उसको आपको यहाँ पर जो है ओपन कर लेना है। अब दोस्तों मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है ऊपर ही ऊपर जो है सर्च सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि सभी मोबाइल में होता है। तो आपको जो है सर्च सेटिंग पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च करना है कॉल सेटिंग, आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है कॉल सेटिंग। अब दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पर सर्च करोगे कॉल सेटिंग तो आपके सामने यहाँ पर जो है कॉल सेटिंग का जो है एक ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको जो है इस कॉल सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों इनकमिंग कॉल सेटिंग्स का, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देख लेना है, ऊपर नीचे कहीं पर दिखाई देगा इनकमिंग कॉल सेटिंग्स का ऑप्शन, तो आपको जो है इनकमिंग कॉल सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों प्रॉक्सिमिटी सेंसर नाम से, तो आपको जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर नाम से जो सेटिंग दिखाई दे रही है ये आपके मोबाइल में जो है ऑन हुई होगी, तो आपको जो है इसको ऑफ कर लेना है। जैसे आप लोग इस सेटिंग को ऑफ कर दोगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी और अब आप लोग जब भी किसी को कॉल करोगे तो आपकी स्क्रीन जो है बंद नहीं होगी, क्योंकि इसी सेटिंग की वजह से जो है हमारी स्क्रीन बंद होती है। तो आपको इसको इस जो है सेटिंग को प्रॉक्सिमिटी सेंसर को बंद कर लेना है, तो आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना और आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक हुई या फिर नहीं वो भी मुझे कमेंट करके बता देना।